जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में बात किया था आंवले के गुणों के बारे में। तो आंवला इतना विस्तृत औषधि है दोस्तों कि जिसके बारे में एक एपिसोड में पूरी बातें नहीं हो सकती थी, इसीलिए हम आपको आज कुछ एक और गुणों से अवगत कराते हैं आंवले के, जो कि आपकी जीवन शैली और आपके लिए बेहद लाभकारी होगा दोस्तों। उत्तेजना, जी हाँ दोस्तों, आंवला शारीरिक मानसिक उत्तेजनाओं को शांत करता है। पायरिया, ताजे आंवले का सेवन दांतों मसूड़ों की मजबूती के लिए कारगर है। यह पायरिया से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भी लाभप्रद है। सूखा पिसा हुआ आंवला या आंवले के रस में 5 बूंद सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर मलने से पायरिया ठीक हो जाता है दोस्तों। आंवला वात एवं पित्त नाशक है, इसलिए इसका उपयोग वायु रोग निरोधक के रूप में किया जाता है। नकसीर, जिन्हें प्रायः नकसीर आती रहती है, वे 50 ग्राम सूखे आंवले को रात में 3 किलो पानी में भिंगोकर पानी छानकर उससे नित्य सिर धोएं और 1 कप पानी भी पिएं। आंवले का मुरब्बा खाएं। यदि नकसीर किसी भी प्रकार से बंद न हो तो आंवले का रस रोगी के नाक में टपकाएं, सूंघाएं और आंवले को पीसकर सिर पर लेप करें। 4 चम्मच आंवले का रस 3 चम्मच मिश्री मिलाकर पिलाएं, अवश्य लाभ होगा दोस्तों। यदि ताज़ा आंवले न मिलें तो सूखे आंवलों को पानी में भिंगोकर उस पानी को सिर पर लगाएं, इससे मानसिक गर्मी खुश्की भी दूर हो जाएगी। गर्मी से बचाव, गर्मी में आंवले का शरबत पीने से बार बार प्यास नहीं लगती है तथा गर्मी के रोगों से बचाव होता है दोस्तों। बांझपन, 3 महीने आंवले का रस पीने से बांझपन और वीर्य की कमजोरी दूर होकर दंपत्ति संतानोत्पत्ति योग्य हो जाते हैं। इससे कानों का बहरापन भी ठीक होता है। मासिक धर्म, जी हाँ दोस्तों, 2 चम्मच आंवला 2 कप पानी में गुड़ या मिश्री मिलाकर उबालें, आधा पानी रहने पर छान कर पिएं। इस प्रकार तैयार कर 2 बार लें। मासिक धर्म कम होता हो तो खुल कर आएगा और दर्द नहीं होगा दोस्तों। तुतलाना, बच्चों का हकलाना तुतलाना आंवला चबाने से ठीक हो जाता है। जीभ पतली होकर बोली साफ आने लगती है। बिस्तर में पेशाब करना, कुछ बालक बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, यह रोग है जो चिकित्सा कराने से ठीक हो जाता है। 1 ग्राम पिसा हुआ आंवला, 1 ग्राम पिसा हुआ काला जीरा और 2 ग्राम पिसी हुई मिश्री मिलाकर फंकी दें, ऊपर से ठंडा पानी पिलाएं, बिस्तर में पेशाब करने का रोग दूर हो जाएगा मित्रों। छाले, जी हाँ दोस्तों, गले में छाले होने पर मिश्री मुलहठी व सूखे आंवले को समान मात्रा में पीसकर 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास दूध में मिलाकर सुबह शाम पिएं। 4 दिन इसका उपयोग करने से गले के छाले ठीक हो जाते हैं दोस्तों। स्वप्न दोष, यूं तो आंवला कई तरह से स्वप्न दोष को दूर करता है दोस्तों, आइए विधि नंबर 1 को देखते हैं। 1 आंवले का मुरब्बा नित्य खाने से स्वप्न दोष की शिकायत दोस्तों दूर हो जाती है। प्रयोग नंबर 2, कांच के गिलास में 20 ग्राम सूखे आंवले पीस कर डालें, इसमें 60 ग्राम पानी भरें और फिर 12 घंटे भींगने दें, फिर छानकर इस पानी में 1 ग्राम पीसी हुई हल्दी डालकर पिएं। युवकों के लिए स्वप्न दोष के लिए यह सबसे अच्छी औषधि है दोस्तों। जीर्ण ज्वर, मूंग की दाल में सूखा आंवला डालकर पकाकर खाएं, आपको लाभ होगा दोस्तों। पथरी, जी हाँ दोस्तों, पथरी को भी आंवले के द्वारा गायब किया जा सकता है। इसकी विधि नंबर हम 1 देखते हैं। आंवले का चूर्ण मूली के साथ खाने से मूत्राशय की पथरी में लाभ होता है। विधि नंबर 2, पिसा हुआ आंवला और मिश्री समान मात्रा में मिलाकर 2 चम्मच 2 बार लंबे समय तक पानी के साथ फंकी लेने से पथरी निकल जाती है दोस्तों। रक्तस्रावी बवासीर, सूखे आंवले को बारीक पीसकर 1-1 चाय चम्मच सुबह शाम छाछ या गाय के दूध के साथ लेने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। श्वेत प्रदर, जी हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं श्वेत प्रदर को दूर करने के कुछ एक उपाय आंवले के द्वारा। विधि नंबर 1, 3 ग्राम पिसा हुआ आंवले का चूर्ण 6 ग्राम शहद में मिलाकर नित्य 1 बार
30 दिन तक लेने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है दोस्तों। खटाई का परहेज रखें इसमें। विधि नंबर 2, आंवले का 20 ग्राम रस शहद में मिलाकर 1 माह तक लगातार पीने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है दोस्तों। कुष्ठ रोग, 1 चम्मच आंवले के चूर्ण की सुबह शाम फंकी लेने से कुष्ठ रोग दूर होता है दोस्तों। जलन, ताज़ा आंवले का रस 1/4 कप, 1/2 कप पानी और स्वादानुसार शक्कर मिलाकर नित्य 2 बार पीते रहने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है, कब्ज और शीघ्र पतन दूर हो जाता है, छाती की जलन में लाभ होता है। स्त्री के मूत्रांग की जलन और खुजली ठीक हो जाती है। आंवले का रस शहद के साथ सेवन करने से भी स्त्रियों का योनि दाह यानी कि मूत्रांग की जलन शांत हो जाती है। प्रोस्टेट, आंवले की गुठली को फोड़ने पर निकलने वाले बीज 150 ग्राम, गुड़ 150 ग्राम, काले तिल 1/2 किलो, इन सबको बारीक पीसकर मिलाकर 20-20 ग्राम के लड्डू बनाकर नित्य सुबह शाम खाएं, प्रोस्टेट के रोग दूर हो जाएंगे दोस्तों। पेशाब की जलन, आइए विधि नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। हम आंवले के द्वारा कैसे पेशाब की जलन को दूर कर सकते हैं। हरे आंवले का रस 50 ग्राम, शक्कर या मिश्री या शहद 50 ग्राम, थोड़ा पानी मिलाकर सुबह शाम पिएं। यह 1 खुराक का तौल है। इससे पेशाब खुलकर आएगा, जलन और कब्ज ठीक होगी, शीघ्र पतन दूर होगा दोस्तों। विधि नंबर 2, साबुत धनिया 2 चम्मच, 1 चम्मच पिसा हुआ आंवला रात को 2 कप पानी में भिंगो दें। प्रातः धनिया को हाथ से उसी पानी में मसलकर पानी हिलाकर छान कर पिएं। इसी प्रकार प्रातः भिंगो कर शाम को पिएं। इस दिन लगातार पिएं, 10 दिनों तक लगातार पिएं, पेशाब की जलन दूर हो जाएगी दोस्तों। विधि नंबर 3, 2 चम्मच आंवला तथा समान मात्रा में मिश्री मिलाकर पानी से नित्य 2 बार फंकी लेने से पेशाब की जलन तथा पेशाब का रुक रुक कर आना ठीक हो जाता है दोस्तों। मधुमेह, जी हाँ दोस्तों, आइए हम आंवले के द्वारा कैसे मधुमेह को दूर कर सकते हैं देखते हैं दोस्तों। विधि नंबर 1, सूखे आंवले और जामुन की गुठली समान मात्रा में पीस लें। इसकी 2 चम्मच नित्य प्रातः भूखे पेट पानी के साथ फंकी लें, मधुमेह में लाभ होगा दोस्तों। विधि नंबर 2, आंवले का ताज़ा रस मधुमेह के रोगियों के लिए लाभप्रद होता है। इसके सेवन से रक्त में शक्कर बनना कम होता है। आंवला पाउडर 1 चम्मच 2 बार पानी या दूध से फंकी लेने से मधुमेह में लाभ होता है दोस्तों। इसके साथ साथ कब्ज, जी हाँ दोस्तों, रात को 1 चम्मच पिसा हुआ आंवला पानी या दूध से लेने से सुबह दस्त साफ आता है, कब्ज नहीं रहती है, आंते तथा पेट साफ हो जाते हैं दोस्तों। तो देखा दोस्तों आपने कि एक आंवला हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी साबित होता है हमारे जीवन में दोस्तों। आगे हम कुछ और महत्वपूर्ण और बेहतरीन औषधियों को लेकर के आप सभी के सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। हमारा कैसा लगता है सेगमेंट या एपिसोड आप सभी को ज़रूर बताएं कमेंट्स में, या आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें लिख भेजें कमेंट बॉक्स में या फिर मेल पे, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।